वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं आया हूँ इस पार्क में और इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉब दैट आर अवेलेबल इन गल्फ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और अपने फ्रेंड्स वगैरह लोगों में ये वीडियो को शेयर करिए ताकि वो लोग भी अवेयर हो पाए। और ज़्यादा देर नहीं करते गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट इन द वीडियो। विंटर ख़त्म हुआ है अभी और समर की शुरुआत हुई है। प्लस 8 डिग्री टेम्परेचर है, अच्छी खासी धूप निकली हुई है और मैं पार्क में आया था ऐसे वॉकिंग के लिए, तो सोचा वीडियो बना दूं। देखिए, गल्फ में बहुत सारी जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है। हालांकि विंटर में उतना जॉब का उतना ऑप्शन नहीं होता है। काफ़ी लोग स्ट्रगल फेस करा है जो लोग विंटर में आए थे, दो दो तीन तीन महीने के लिए जॉब नहीं था। लेकिन समर में अभी काफ़ी हालात अच्छे हुए हैं और कई सारी प्रकार की जॉब्स अभी निकलेगी समर की वजह से। इंडीड वगैरह में भी लोग पोस्ट करते हैं। गल्फ फेमस है अपनी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। यहाँ पे लीनामार वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह है। तो लीनामार का यहाँ पे गाइस 19 प्लांट्स है, तो उसमें आपको एज अ मशीन क्लीनर, एज अ मशीनिस्ट, ऐसे कई तरह के जॉब होते हैं। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग, ये गल्फ फेमस है, जैसे कैम्ब्रिज फेमस है वैसे गल्फ भी अपना फेमस है। इंडस्ट्रियल पूरा एरिया है उसी की इंडस्ट्रियल एरिया के बेस पे यहाँ पे सब कम्युनिटी बसी हुई है। किचनर वगैरह से, अलग अलग विंडसर वगैरह से लोग यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं। किचनर जैसे सिटी में अभी गल्फ थोड़ा सा छोटा है, लेकिन किचनर वगैरह में उतना पब्लिक है वैसे ही, तो वहाँ पर जॉब की दिक्कत है, गल्फ में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बात करेंगे आज अलग अलग जॉब के बारे में। जैसे बेसिकली यहाँ पे आप रिटेल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, जैसे नोफ्रिल्स हुआ, वॉलमार्ट हुआ, स्टोन रोड है, यहाँ पे मॉल है, वहाँ पे अलग अलग शॉप्स रहती है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। एज अ शॉप में आप अलग अलग प्रकार के रिटेल शॉप में काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है जैसे मैकडी वगैरह है और टीम हॉटन्स है, फिर अलग अलग टाइप की जो फूड फ्रेंचाइजीज हैं जैसे सबवे है, KFC है, फिर पापा जॉन्स पिज़्ज़ा है, उसमें आप एज ए एम्प्लॉई ज्वाइन हो सकते हो। उसमें दूसरी और तरह की जॉब्स होती है जैसे वेयरहाउस जॉब्स है। वेयरहाउस जॉब्स में पे भी अच्छा होता है, $17 से स्टार्टिंग होता है वेयरहाउस वगैरह में। फैक्ट्री शिफ्ट होती है उसमें भी अच्छा पे होता है, उसमें आप एज अ असेंबलर काम कर सकते हैं। दूसरे और जॉब्स हैं गाइस, जैसे आप कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, जो स्टाफिंग एजेंसी बोलते हैं इसको, जैसे लिबर्टी स्टाफिंग है, रेंट स्टार्ड है, उनके उसमें आप कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवा के भी अपना जॉब वगैरह ले सकते हैं। वो लोग क्या बेसिकली एम्प्लॉय प्रोवाइड करते हैं टेम्पररी बेस पे, उसको टेम्पररी जॉब बोलेंगे। दूसरी कई तरह की जॉब्स होती है जैसे क्लीनर की जॉब, आप एज अ क्लीनर काम कर सकते हैं, जैसे मशीन क्लीनर हो गया या फिर हाउस कीपिंग हो गया, ऐसे क्लीनर की जॉब्स भी होती है। बाकी यहाँ पे पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं, कन्वीनियंस स्टोर होते हैं। पेट्रोल पंप वगैरह में आपको एक स्टोर वगैरह में बैठना होता है, जो रात पे लोग पेट्रोल वगैरह पुरवाने, मतलब पेट्रोल वगैरह के लिए सर्विस के लिए आते हैं, तो उसका पेमेंट वगैरह लेना होता है। फिर पेट्रोल पंप के बाजू में पेट्रोल जो सर्विस कैनेडा है, सॉरी जैसे पेट्रो कैनेडा है, वो सब है, उसमें आपको जॉब मिलती है कन्वीनियंस स्टोर में। उसमें आपको बिलिंग वगैरह करना होता है, स्टॉकिंग वगैरह करना होता है। बाद में मशीन क्लीनर हो गया या फिर हाउस कीपिंग हो गया, ऐसे क्लीनर की जॉब्स भी होती है। बाकी यहाँ पे पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं, कन्वीनियंस स्टोर होते हैं। पेट्रोल पंप वगैरह में आपको एक स्टोर वगैरह में बैठना होता है, जो रात पे लोग पेट्रोल वगैरह पुरवाने, मतलब पेट्रोल वगैरह के लिए सर्विस के लिए आते हैं, तो उसका पेमेंट वगैरह लेना होता है। फिर पेट्रोल पंप के बाजू में पेट्रोल जो सर्विस कैनेडा है, सॉरी जैसे पेट्रो कैनेडा है, वो सब है, उसमें आपको जॉब मिलती है कन्वीनियंस स्टोर में। उसमें आपको बिलिंग वगैरह करना होता है, स्टॉकिंग वगैरह करना होता है। बाद में उसमें सब एक्सपायरी वगैरह चेक करने जैसा बेसिक काम होता है। ये कन्वीनियंस स्टोर वगैरह की या पेट्रोल पंप पे जो जॉब होती है वो बहुत ईजी होती है, उतना वर्कलोड भी नहीं होता उसमें।
अगर आप 20 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपके जो स्टडी परमिट में है वो परमिशन नहीं है, तो आप एक ऑन कैंपस शॉप ही कर सकते हैं, जो ऑप्शन रहता है अच्छा खासा ऑन कैंपस शॉप। हालांकि ये गल्फ का कैंपस छोटा है तो उतनी जॉब निकलती नहीं है। ऑन कैंपस आपको पार्ट टाइम 15 से 20 घंटे काम करने के लिए अच्छा खासा उसमें आपका पहचान होना चाहिए। कंटिन्यूस उसमें आपको चेक करते रहना पड़ेगा कौन सी जॉब कौन सी पोस्टिंग अवेलेबल है। तो ऑन कैंपस जॉब में उतना वर्कलोड होता नहीं है, तो आप अच्छे से कमा सकते हैं और कॉलेज में रह के ही आपको कहीं पे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वो टफ है ऑन कैंपस जॉब। पार्ट टाइम जॉब के लिए दूसरा अच्छा ऑप्शन है आप कोई लाइसेंस निकलवा ले, जैसे सिक्योरिटी का लाइसेंस है, फिर फॉकलिफ वगैरह का लाइसेंस आपके पास है, वो $300-$400 में निकल जाता है। अगर वो लाइसेंस निकलवाना है तो मेक श्योर आप इंडिया से उसका प्रिपरेशन वगैरह करके आए जितना हो सकता है उतना, तो वो भी अच्छा ऑप्शन रहता है। मोस्ट ऑफ द केस में जो लोग नए नए आते हैं उनके पास मेजोरिटी पब्लिक के पास वो रहता नहीं है लाइसेंस वगैरह, तो अगर आपके पास लाइसेंस रहेगा तो आपको एक लीड मिलेगा, अच्छा खासा पे भी होता है इसमें फॉकलिफ वगैरह में, और सिक्योरिटी में भी 15-16 मैक्सिमम मिनिमम एटलीस्ट 17-18 से शुरू होते हैं ये सब जॉब। वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो नए इंटरनेशनल लोग आ रहे, ये लाइसेंस वगैरह भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी दूसरी और एक बात है, कनाडा में आते तो इंडिया जैसा नहीं होता कि एक ही सिटी में पूरे सब जॉब्स अवेलेबल होते हैं। जैसे समझ लो कि हम किचनर में हैं, किचनर में उतना जॉब नहीं है, और गल्फ जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है तो कई सारी पब्लिक ट्रैवल करके राइड्स वगैरह करके शेयर राइड में आती है गल्फ में, तो वो भी आप माइंड में रखिए कि अगर ऐसे सिटी में है जैसे सडबरी हो गया, वैसा सिटी है जिसमें जॉब्स की छोटा सा विलेज है या उसमें पब्लिक ज़्यादा है तो जॉब का सिचुएशन जॉब लेना बहुत टफ हो जाता है, तो मेक श्योर आप मेंटली प्रिपेयर होके आए कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है, ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आप ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल है, ताकि आपको यहाँ पर आके दिक्कत फेस ना करना पड़े। और मेंटली प्रिपेयर इसलिए होके आना है ताकि कोई भी सिचुएशन आए तो हम फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाए और डिप्रेशन ना आ जाए। अभी जैसे विंटर वगैरह सिचुएशन होते हैं, कहीं कहीं सिटी में जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, इंडस्ट्रियल एरिया में कोई कोई फैक्ट्री में जैसे विंटर में काम बढ़ जाता है तो तब लेबर वगैरह का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, तो अगर आप पहले से आपको पता रहेगा कि ये सब प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, कम्यूट करना पड़ता है एक सिटी से दूसरे सिटी में, ये बहुत कॉमन बात है कनाडा में, तो ऐसे प्रिपरेशन करके रखे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अपना व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक वगैरह में सर्च करिए राइड शेयर वगैरह का, तो आपको अगर कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना हुआ, कम्यूट करना हुआ जॉब के लिए, तो आप अच्छे से कर पाए, आपको दिक्कत फेस ना करना पड़े और आपको जॉब मिल पाए। अब बात करते हैं पे के बारे में, किस टाइप की जॉब में कितना पे रहता है। जैसे फास्ट फूड इंडस्ट्री वगैरह है उसमें बेसिक पे होता है, सबवे वगैरह मैकडोनल्ड्स वगैरह उसमें कम पे होता है, क्योंकि उतना उसमें लेबर वर्क या हार्ड वर्क नहीं होता है। उसमें जैसे 15-16 मैक्सिमम नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो $1 ज़्यादा देंगे, 16.5 देंगे। फैक्ट्री शिफ्ट है, वेयरहाउस शिफ्ट है, उसमें आपका 17-18 से पेमेंट शुरू होगा पर आवर। जो वेजेस रहते हैं वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा हार्ड वर्क वगैरह रहता है। बाकी जैसे सिक्योरिटी है, फार्मेसी वगैरह जॉब है, कोई मेडिकल वगैरह में आप सर्वेंट ऐसे नर्स वगैरह है, ये जॉब में गाइस पे थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें कोई स्किल रिक्वायरमेंट होती है या फिर कोई स्पेशल लाइसेंस वगैरह का रिक्वायरमेंट हो, उसमें पे ज़्यादा होता है। बाकी का जो पे के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, कौन सी जॉब में कितने पे होते, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। आज के लिए बस इतना ही गाइस, हैव अ गुड डे, हैव फन।